वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम सभी लोग मेटलर्जी सेक्शंस में आयरन की मेटलर्जी और एल्यूमिनियम की मेटलर्जी को पढ़ चुके थे। आज हम जिस मेटलर्जी पर डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है सिल्वर की मेटलर्जी, या हम कहें कि सिल्वर धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी शानदार विधि है और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। केवल 25-30 मिनट्स में मैं ये पूरी मेटलर्जी आप लोगों को याद करा दूंगा। बट सबसे पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, जो हमें बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जो सिल्वर धातु है वो एक तरह से कम क्रियाशील धातु है, बहुत कम क्रिया करती है। तो ये मुक्त अवस्था में भी मिलती है और ये संयुक्त अवस्था में भी मिलती है। जो मुक्त अवस्था में मतलब सिल्वर मिलती है, और संयुक्त अवस्था में इसके कई सारे अयस्क होते हैं। उनमें से एक अयस्क का नाम आपने पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं अर्जेंटाइट, या जिसको बोलते हैं सिल्वर ग्रांस। इसका जो फॉर्मूला है वह आपको पता होगा, क्या होता है, Ag2S। और इसका जो दूसरा अयस्क है उसका नाम है किरार्जिराइट, या जिसको हम बोलते हैं हॉर्न सिल्वर। इसका फॉर्मूला होता है AgCl। ये दो इसके फेमस अयस्क हैं, प्रमुख अयस्क हैं। एक है अर्जेंटाइट और दूसरा है किरार्जिराइट। और मुक्त अवस्था में मतलब सिल्वर ही है, बाकी दुनिया भर का गैंग रहता है वो अलग चीज़ है। तो देखो, आपसे जो जानकारी के तौर पर सबसे पहले आपको बता दें कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चांदी उत्पादन करने वाला जो देश है उसका नाम है मैक्सिको। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का ये देश है, और आप देखेंगे नक्शे में तो आपको दिखाई देगा कि मैक्सिको में सबसे ज़्यादा चांदी होती है। अब इससे दो तरह के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए, इवन तीन तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्जेंटाइट से या फिर सिल्वर ग्लांस से शुद्ध सिल्वर धातु का प्राप्त शुद्ध सिल्वर धातु कैसे प्राप्त करते हैं, अर्जेंटाइट से शुद्ध सिल्वर धातु। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्जेंटिफेरस लेड से शुद्ध सिल्वर धातु कैसे प्राप्त करते हैं, अभी क्या चीज हम समझा रहे हैं। और तीसरा आपसे पूछा जाता है चांदी के सिक्के से, जो आपका सिल्वर क्वाइन होता है ना, चांदी के सिक्के से हम सिल्वर धातु कैसे प्राप्त करते हैं। ये तीन चीजें आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं प्रीवियस ईयर्स में। बट जब हम एनसीईआरटी का सिलेबस देखते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन कट हो जाता है, या ये चीज आपके सिलेबस में एनसीईआरटी पैटर्न में गिवन नहीं है, और वो है अर्जेंटिफेरस लेड। देखिएगा, जैसे हम कॉपर का मेट एक्सट्रैक्शन करते हैं, मतलब कॉपर धातु निकालते हैं, गोल्ड धातु निकालते हैं, या फिर सिल्वर धातु निकालते हैं, इसी तरह से लेड धातु भी निकालते हैं। तो जो लेड हम लोगों को धातु मिलती है, उस लेड धातु में 2%, 1% और भी कम मात्रा में थोड़ी बहुत सिल्वर धातु मौजूद रहती है। देखो, 2% मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, ठीक है। जो हम लेड निकालते हैं उसमें बहुत कम परसेंटेज में सिल्वर धातु पाई जाती है। चूंकि सिल्वर महंगी धातु है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उस लेड में जिसमें सिल्वर मौजूद है, जिसको हम बोलते हैं रजतमयी शीशा, या जिसको बोलते हैं अर्जेंटिफेरस लेड, तो हम उससे भी सिल्वर धातु निकाल लेते हैं। उसको निकालने की दो विधि होती है, पार्क्स विधि और पेटेंशन विधि। अगर आप लोगों को इन विधियों को भी पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। बट मैं फिलहाल यहां पर अर्जेंटिफेरस लेड से सिल्वर धातु कैसे प्राप्त करते हैं इस पर अभी फिलहाल कोई बात नहीं करूंगा। हमारा जो मुख्य टारगेट है वो दो चीजों पर है, एक है अर्जेंटाइट से सिल्वर कैसे बनाना है, और दूसरा सिल्वर कॉइन से या चांदी के सिक्के से सिल्वर कैसे बनाना है। देखो, अर्जेंटाइट जो होता है उसका फॉर्मूला है Ag2S, ठीक है। इस Ag2S में आप देखो, ये सल्फाइड अयस्क है, तो जैसा हम लोग पढ़ते आए हैं हम लोगों को वैसा ही करना है। सबसे पहला काम क्या होता है कि हम अयस्क का क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। तो आप बताओ, हम सबसे पहले स्टेप में क्या लगाने वाले हैं, सांद्रण। अब आप सभी को पता है कि जो सांद्रण होता है अयस्क का सांद्रण, अगर वो सल्फाइड अयस्क है, तो हम कौन सी विधि लगाते हैं सांद्रण की, शायद याद आ रहा होगा, कौन सी विधि लगाते हैं, फेन प्लवन विधि। कौन सी लगाते हैं, फेन प्लवन विधि। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो हमारी भाषा क्या रहेगी, सिल्वर धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था के साथ साथ संयुक्त अवस्था में भी मिलती है। सिल्वर धातु के निम्नलिखित अयस्क प्रकृति में पाए जाते हैं, अर्जेंटाइट फॉर्मूला Ag2S, और किरार्जिराइट जिसका फॉर्मूला है AgCl। उसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे अर्जेंटाइट ब्रैकेट में Ag2S, या हॉर्न सिल्वर सिल्वर ग्लांस से सिल्वर धातु का निष्कर्षण निम्नलिखित पदों में किया जाता है।
नंबर वन। स्टेप नंबर वन में क्या लिखोगे? अयस्क का सांद्रण, उसके बाद लिखोगे अर्जेंटाइट या फिर सिल्वर ग्रांस जो अयस्क है चांदी का, उसका सांद्रण हम फेन प्लवन विधि से करते हैं। फेन प्लवन विधि से करते हैं, ये फेन प्लवन विधि में चित्र बन जाएगा। और आप क्या लिखोगे? इस विधि में लोहे का एक टैंक लेते हैं जिसमें हम क्या रखते हैं? अयस्क लेते हैं बारीक पिसा हुआ, उसमें क्या क्या मिलाते हैं? चीड़ का तेल मिलाते हैं, याद आ रहा होगा शायद आपको, चीड़ का तेल मिलाते हैं। और क्या मिलाते हैं? पोटेशियम, याद आ रहा है? पोटेशियम क्या मिलाते हैं? एथिल जेंथेट। क्या मिलाते हैं? पोटेशियम एथिल जेंथेट। ये किसका काम क्या है मैं डिटेल में समझा चुका हूँ, अभी यहाँ पर डिटेल दोबारा नहीं ले रहा हूँ। हम क्या कहते हैं, एक लोहे का पात्र लेते हैं जिसमें हम सिल्वर का जो अयस्क है उसको बारीक पीस लेते हैं, उसमें चीड़ का तेल मिलाते हैं, पोटेशियम एथिल जेंथेट मिलाते हैं, और साथ में जल मिलाते हैं, मतलब जल में ये सब चीज़ पलट देते हैं, और वायु की तेज धारा इसमें प्रवाहित करते हैं। तो जितना भी हमारा अयस्क है वो झाग के तौर पर ऊपर आ जाता है तेल के साथ भीग कर, और जो भी अशुद्धियाँ हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं गैंग। तो इस झाग को हम इकट्ठा कर लेते हैं और इस प्रकार हम लोगों को सांद्रित अयस्क की प्राप्ति हो जाती है। ये स्टेप नंबर वन है, इसमें कोई डाउट हो तो आप इतना चीज फिर से सुन लीजिए। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर टू की। अब स्टेप नंबर टू में अब आपको याद रखना है, आपसे कभी कभी विकल्प में पूछा जाता है कि सिल्वर धातु का जो निष्कर्षण है वो किस विधि से किया जाता है। तो पहले तो आप विधि का नाम याद कर लीजिए, उसको बोलते हैं साइनाइड विधि, उसका नाम होता है साइनाइड विधि, या इसी का नाम पूछा जाता है मैक ऑथर फॉरेस्ट विधि। ये दोनों एक ही नाम है। साइनाइड विधि से भी सिल्वर धातु का शोधन होता है और गोल्ड का भी होता है, ध्यान रखना। ये साइनाइड विधि सिल्वर पर भी लागू होती है और गोल्ड पर भी लागू होती है। तो साइनाइड विधि से हम सिल्वर धातु का शोधन करते हैं, गोल्ड का करते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? मैक ऑथर फॉरेस्ट विधि। अब देखो ये जो विधि है, इस विधि के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है स्टेप नंबर टू और एक हिस्सा होता है स्टेप नंबर थ्री। स्टेप नंबर टू में हमारी जो प्रक्रिया का नाम है उसका नाम क्या है? साइनाइडेशन, या जिसको हम बोलते हैं साइनाइडीकरण। देखो साइनाइडेशन या साइनाइडीकरण में क्या करते हैं हम लोग, इसको ध्यान से समझना। देखो हम एक पात्र लेते हैं, उसमें नीचे की तरफ छिद्र हैं, ठीक है, छोटे छोटे छिद्र हैं, और उसके ऊपर हमने किरमिच का अस्तर लगा दिया। आप ऐसा समझ लो उसके ऊपर हमने कोई कपड़ा बिछा दिया, ठीक है। अब उसके अंदर हम जो चीज करने वाले, उसको ध्यान से समझिएगा, हमने क्या किया, एक छिद्रित पात्र लिया नीचे की तरफ, उसकी तली में छिद्र थे, तो उस पर किरमिच का क्या मिला, बिछा दिया, अस्तर बिछा दिया। अब हमने जो यहाँ से सांद्रित अयस्क मिला है उसको हमने उसके अंदर भर दिया, मतलब Ag2S उसके अंदर भर दिया। अब हम उसमें एक चीज मिलाने वाले हैं, वो ध्यान से सुनिएगा, उसका नाम है सोडियम साइनाइड, NaCN। सोडियम साइनाइड का 0.4% सॉल्यूशन, मतलब सोडियम साइनाइड एक पदार्थ है, उसको हम जल में घोलेंगे 100 लीटर जल में, मात्र 0.4 ग्राम हम घोलेंगे तो हम कहेंगे सोडियम साइनाइड का हमने अति तनु विलयन बनाया है, और वो विलयन बना करके हमने उस अयस्क में डाल दिया। मतलब हमने क्या काम किया कि एक तली जिसमें छिद्र थे और उसके ऊपर हमने पहले अस्तर लगाया कैनवास का, ठीक है, किरमिच का, और उसके बाद हमने इसमें क्या क्या भरा, एक चीज तो भरी Ag2S, मतलब अयस्क भर दिया, और उसमें क्या भरा 0.4% कौन सा सॉल्यूशन, NaCN का जलीय विलयन भर दिया, और इसी में तेजी से क्या प्रवाहित कर दी, वायु प्रवाहित कर दी, ऑक्सीजन प्रवाहित कर दी, ठीक है। इतना प्रोसेस समझ में आ गया होगा, ये भाषा है, लिखनी पड़ेगी आपको। अब इस प्रोसेस में होता क्या है उसको देखिए, जो हमारे पास Ag2S था, जो हमारे पास अयस्क था, वो बेसिकली सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है इस तरह से कि हम लोगों को दो चीजें मिलती हैं, मतलब जितना अयस्क है, जितना अयस्क, देखो अयस्क में अभी बहुत सारी अशुद्धियां हैं, जितना अयस्क है वो सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करके NaAgCN का होल ट्वाइस ये पदार्थ बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, ये प्राप्त हो जाता है, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड प्राप्त हो जाता है, और साथ में मिल जाता है Na2S, ठीक है, और साथ में मिल जाता है Na2S हम लोगों को प्राप्त हो जाता है।
मतलब जितना अयस्क था वो सोडियम साइनाइड के विलयन में घुल गया, घुलने के बाद एक विलयन के रूप में बना, और वो उस विलयन में क्या मौजूद था, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, और ये विलयन यहाँ से नीचे टपकेगा, उसको हम इकट्ठा कर लेंगे। चूंकि अशुद्धियां ने तो क्रिया ही नहीं करी, तो अशुद्धियां तो ऊपर टैंक में ही रह गई, नीचे की तरफ जो हमारे पास आया वो क्या हो गया, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। देखो इसमें खास बात यह है कि ये एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया शुरुआत में तो फर्स्ट फटाफट होती है, मगर जब साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है तो ये रिएक्शन में सोडियम अर्जेंटो साइनाइड बनने की जो दर है वह कॉन्स्टेंट हो जाती है, मतलब जितनी आगे अभिक्रिया होती है उतनी ही पीछे अभिक्रिया होती है। हम चाहते हैं कि सोडियम अर्जेंटो साइनाइड लगातार मिलता रहे, तो हमने इसमें तेजी से क्या प्रवाहित कर दी, वायु प्रवाहित कर दी, ऑक्सीजन प्रवाहित कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो सोडियम सल्फाइड जो इसमें बन रहा था उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो बताओ Na2S ने रिएक्शन कर ली, Na2S का कंजम्पशन हो रहा है, तो लाशा तेलिए के नियम से, ली चेटर प्रिंसिपल से ये साम्य अग्रदशा में जाएगा और सोडियम अर्जेंटो साइनाइड आपको अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। और इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि साइनाइड का एक कंपाउंड मिल रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, साइनाइडेशन। समझ में आ गया होगा, हमने क्या किया, एक लोहे का टैंक लिया जिसकी तली में छिद्र थे, किरमिच का स्तर लगाया, उसमें हमने सांद्रता एस को भरा और उसमें सोडियम साइनाइड का 0.4% तनु विलयन मिलाया और वायु की तेज धारा प्रवाहित करी, समस्त सल्फाइड अयस्क सोडियम साइनाइड से क्रिया करके जल में घुलनशील एक संकर यौगिक बनाता है जिसका नाम होता है सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, और साथ ही साथ इसमें बनता है सोडियम सल्फाइड जो वायु से क्रिया करके सोडियम सल्फेट में बदल जाता है, जिससे साम्य या प्रथम अभिक्रिया अग्रदिशा में मूव होती है और सोडियम अर्जेंटो साइनाइड हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, साइनाइडीकरण। और ये दोनों समीकरण हम उसमें लिख देंगे। अब जब हम साइनाइडीकरण, देखो इतना आप याद करना है इतना, इसलिए अगर आप इसके आगे नहीं सुनना चाहते हैं पहले, तो आप इतनी चीज को रिपीट करके सुन लीजिए। पहले हमने सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया, फिर साइनाइडीकरण किया, स्टेप नंबर 1 क्लियर, स्टेप नंबर 2 क्लियर। अब देखो स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, सिल्वर धातु का अवक्षेपण। तो देखो जो हमारे पास ये सोडियम अर्जेंटो साइनाइड मिला हुआ है, इसमें हम जिंक मिला देते हैं, ठीक है, क्या मिलाते हैं, जिंक मिलाते हैं, और किसमें मिलाते हैं, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड में, और गर्म कर देते हैं। आपको पता है जिंक सिल्वर की तुलना में अधिक सक्रिय है, तो जिंक सिल्वर को क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी, प्रतिस्थापित कर देगी, और एक संकर यौगिक जिंक का बन जाएगा और उसका नाम होगा Na2ZnCn4। ये कंपाउंड मिल जाएगा जिसको हम बोलते हैं सोडियम जिंक सयानाइड, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा सोडियम जिंक साइनाइड, ये मिलेगा, और सिल्वर जो है वो आपकी अवक्षेपित हो जाएगी, मतलब सिल्वर अलग हो जाएगी। तो आप बताओ आपने क्या काम किया, जो साइनाइडीकरण प्रक्रिया से सोडियम अर्जेंटो साइनाइड मिला उसमें जिंक की कर्तन मिला दी, जिंक के टुकड़े मिला दिए, गर्म कर दिया, तो हमने क्या देखा, जिंक ने सिल्वर धातु को रिप्लेस कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, अवक्षेपित कर दिया, सिल्वर का अवक्षेप हमको मिल गया, उस अवक्षेप को हम छान लेते हैं, और ये जो कंपाउंड है ये जल में घुलनशील है, तो ये घुलित अवस्था में रहता है, ये अवक्षेप के रूप में रहता है, इस अवक्षेप को छान लेते हैं और हमको सिल्वर धातु की प्राप्ति हो जाती है। ये जो सिल्वर धातु है, अभी ये सिल्वर धातु की जो प्रक्रिया है ये, इसको हम बोलते हैं सिल्वर धातु का अवक्षेपण, ये स्टेप नंबर 3 हो गया, जो भाषा मैं बोल रहा हूं उसकी लैंग्वेज बना दीजिएगा। अब स्टेप नंबर 4 पर हम आते हैं जी। ये जो सिल्वर धातु हमको मिली है ये धातु शुद्ध नहीं है, ये धातु अशुद्ध है। इस धातु में देखो जो सिल्वर धातु है उस सिल्वर धातु में लेड की अशुद्धि होती है, कॉपर की अशुद्धि होती है, गोल्ड की अशुद्धि होती है, ठीक है, गोल्ड तो बहुत कम है बट ज्यादातर अशुद्धि लेड और कॉपर की है, ठीक है, और भी अशुद्धियां हो सकती हैं बट जो हम लोगों को पढ़ना है हम क्या लिखेंगे, सिल्वर धातु की अवक्षेपण प्रक्रिया से जो हमें काले रंग का सिल्वर प्राप्त होता है, ध्यान रखना काले रंग का मिलता है, ये काले रंग का जो सिल्वर प्राप्त होता है उसमें लेड कॉपर और गोल्ड की अशुद्धियां पाई जाती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम दो स्टेप लगाते हैं, दो प्रोसेस लगाते हैं। पहले स्टेप का नाम होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूपलीकरण, या जिसको हम पढ़ा चुके हैं आपको खरपुरीकरण, ये वो प्रोसेस है यहां लगाएंगे। और क्यूपलीकरण के बाद हम दूसरी प्रोसेस क्या लगाएंगे, विद्युत अपघटनी विधि, या जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। देखो क्यूपलीकरण में क्या है, एक बात्या भट्टी है, उथले तल की है, और इस भट्टी का जो उथला तल है
उस पर हड्डी की राख का बना हुआ एक क्यूपेल होता है, मतलब कटोरी होती है, उसमें हम इस अशुद्ध सिल्वर को भर देते हैं और वायु की तेज धारा में उसको गर्म करते हैं। तो फायदा क्या होता है कि जितना भी इसमें लेड है वो वायु के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, PbO, और ये वाष्प में बदल जाता है। लेड ऑक्साइड वाष्पशील होने वाला पदार्थ है और ये लेड ऑक्साइड वाष्प बन के उड़ जाता है। तो हमारा जो सिल्वर है उसमें लेड की अशुद्धि पूरी तरह से अलग हो जाती है। तो एक तो ये लेड वाष्प के रूप में उड़ जाता है, मान लो वो वाष्प के रूप में नहीं बन पाया तो ये लेड ऑक्साइड जो हड्डी की राख है, हड्डी की राख में फास्फोरस होता है और वो फास्फोरस का जो ऑक्साइड है वो इस लेड ऑक्साइड को रिएक्शन करके स्लैग में कन्वर्ट कर देगा। तो हमने क्या काम किया कि सिल्वर धातु के अवक्षेपण से जो सिल्वर धातु प्राप्त हुई उसमें लेड, कॉपर और गोल्ड की अशुद्धियां थी, इनको दूर करने के लिए हमने सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया लगाई, क्यूपेलीकरण। क्यूपेलीकरण में एक परावर्तनी भट्टी हमने ली, उसमें हड्डी की राख का बना हुआ क्यूपेल लिया, कटोरी नुमा आकृति का है वो क्यूपेल, उसमें हमने अशुद्ध सिल्वर धातु को भर दिया, पिघलाया और वायु की तेज धारा में उसको गर्म किया। तो हमने देखा कि उसमें जितना भी लेड था वह वायु के साथ क्रिया करके लेड ऑक्साइड में बदल गया जो कि वाष्पशील पदार्थ है, वाष्प के रूप में निकल गया और कुछ मात्रा में लेड ऑक्साइड क्यूपेल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस तरह से हमारे सिल्वर में लेड की अशुद्धि पूरी तरह से निकल जाती है और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सिल्वर का क्यूपेलीकरण। अब दूसरी प्रक्रिया होती है विद्युत अपघटनी विधि। देखो विद्युत अपघटनी विधि हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एक विद्युत अपघटनी सेल लेते हैं, ये जो हमने एक एनोड लिया, ये धन ध्रुव है ना, इसको क्या बोलते हैं एनोड, ये हमने किसका लिया, अशुद्ध सिल्वर का, याद करिए, याद आ रहा होगा थोड़ा, अशुद्ध सिल्वर धातु का हमने क्या लिया, एनोड लिया, मोटा सा एनोड लिया और यहां पर एक पतली सी स्ट्रिप लगा दी, ये ऋण ध्रुव से संपर्कित है और ये क्या है, शुद्ध सिल्वर धातु, कौन सी चीज है, शुद्ध सिल्वर धातु है। तो हम क्या क्या लिखेंगे कि लेड रहित सिल्वर को हमने एक विद्युत अपघटनी सेल में भर दिया, उस विद्युत अपघटनी देखो यहां पर हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा मैं गलत बोल गया, हमने क्या लिखा कि लेड रहित, मतलब लेड हमने हटा दिया, लेड रहित सिल्वर धातु या अशुद्ध सिल्वर धातु, लेड रहित अशुद्ध सिल्वर धातु से पुनः शुद्ध सिल्वर धातु की प्राप्ति हम किस विधि से करते हैं, विद्युत अपघटनी विधि से करते हैं। इस विधि में अशुद्ध सिल्वर धातु का हम क्या बनाते हैं, एनोड अर्थात धन ध्रुव से इसका संपर्क कर देते हैं और शुद्ध सिल्वर धातु जो हम किसी अन्य विधि से प्राप्त कर लेते हैं उसका बनाते हैं ऋण ध्रुव, मतलब उसको बना देते हैं कैथोड और इस सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में हम दो चीजें भरेंगे, एक का नाम है सिल्वर नाइट्रेट और उसमें मिलाएंगे नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, ये विद्युत अपघट्य के रूप में भरेंगे, क्या क्या भरेंगे, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन और HNO3 का विलयन हम विद्युत अपघट्य के तौर पर लेंगे। आपको बताया भी था कि विद्युत अपघट्य विधि में अशुद्ध धातु का तो लेते हैं एनोड, शुद्ध धातु का लेते हैं कैथोड और जिस धातु का हम शोधन कर रहे हैं उसी धातु के किसी लवण का विलयन भरा जाता है विद्युत अपघट्य के तौर पर। तो देखो हम सिल्वर धातु का शोधन कर रहे हैं तो सिल्वर धातु का ही तो लवण है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, चूंकि सिल्वर नाइट्रेट को नाइट्रिक अम्ल में इसलिए मिलाते हैं जिससे उसकी आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाए, मतलब ये आयंस फ्रीली मूव कर सके, इसलिए हमने क्या किया, अशुद्ध सिल्वर धातु का एनोड बनाया, शुद्ध सिल्वर धातु का कैथोड बनाया और विद्युत अपघटनी सेल में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और HNO3 का मिक्सचर विद्युत अपघट्य के तौर पर भर दिया। हमने विद्युत धारा प्रवाहित करी, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा कि जो अशुद्ध सिल्वर है उसमें से ऑक्सीकरण प्रक्रिया होगी और सिल्वर आयन विलयन में आ जाएंगे। देखो आपको बताया था हमने, यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है, एनोड पर क्या चीज, कहां पर प्रक्रिया हो रही है, एनोड पर कौन सी प्रक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होगा कि जो हमारे पास अशुद्ध सिल्वर था उसमें से केवल सिल्वर आयन विलयन में आ जाएंगे, अशुद्धियां नीचे बैठती चली जाएंगी और कैथोड पर, कैथोड पर कौन सी प्रक्रिया हो रही है, अपचयन की, कौन सी प्रक्रिया हो रही है, अपचयन की, और इस प्रक्रिया में क्या होगा कि ये जो सिल्वर आयन जो विलयन में मौजूद थे ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, कैथोड पर। तो कहने का मतलब जो कैथोड पतला दुबला सा था उस पर सिल्वर इकट्ठी होती जाएगी, लगातार ये मोटा होता जाएगा और अशुद्धियां नीचे की तरफ बैठेंगी जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड,
और इस तरह से हमें शुद्ध सिल्वर धातु कैथोड पर प्राप्त होती है। इसको हम बाहर निकाल लेंगे और इस तरह से हमें शुद्ध सिल्वर धातु की प्राप्ति हो जाती है। और ये विधि सिल्वर धातु के शोधन की विद्युत अपघटनी विधि कहलाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि अर्जेंटाइट से हम शुद्ध सिल्वर धातु कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आप लिख दोगे, आप इस वीडियो को सुनकर के भाषा लिखने की खुद से कोशिश करिएगा, आप मैक्सिमम लिख लोगे। अब इसी क्वेश्चन में हमने आपसे क्या पूछा था कि चांदी के सिक्के से कैसे बनाओगे। अब देखो चांदी के सिक्के में सिल्वर रहता है, नेटिव स्टेट में रहता है, मुक्त अवस्था में रहता है, वो सल्फाइड आयस्क नहीं है। तो हम बस पहला स्टेप गायब कर देंगे सांद्रण, हम सीधा क्या लिखेंगे, चांदी के सिक्के को पहले हम क्रश करके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। उसके बाद उसमें क्या मिलाएंगे, सोडियम साइनाइड का 0.4% तनु विलयन मिलाएंगे। तो जितना भी चांदी का टुकड़ा होगा वो सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। ये जल में घुलनशील है, इस सोडियम अर्जेंटो साइनाइड की रिएक्शन हम किससे करा देंगे, जिंक से करा देंगे। तो हमारा सारा का सारा चांदी जो है वो क्या हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा। चूंकि अवक्षेपित होने के बाद अब आपको क्यूपेलीकरण लगाने की जरूरत है नहीं, अगर लगाना चाहो तो यही प्रोसेस रिपीट करते हुए फाइनली आपको शुद्ध सिल्वर धातु की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये है चांदी को प्राप्त करने की विधि और इसको बोलते हैं सिल्वर की मेटलर्जी। बहुत अच्छी मेटलर्जी है, सबसे पहली चीज़ है छोटी है, शॉर्ट है, और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की बहुत संभावना है। आप सभी बच्चे इसको सुने, रिएक्शन को पहले रफ पर छोटी छोटी चार चार बार लिख करके प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर इसके स्टेप्स को दिमाग में रखें, हेडिंग्स, और उसके बाद उसकी भाषा को एक बार वीडियो में सुन लें और फिर फ्लो में उसको अपनी फेयर कॉपी पर नोट डाउन करें। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, बट अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से अगर करते हो तो मुझे लगता है कि आपको ये जिंदगी में कभी नहीं भूलेगी। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपको वीडियो कैसा लगा, टॉपिक कैसा लगा, पढ़ने में मज़ा आया या नहीं आया, वो सारी चीज़ें आप अपने कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर लिखिए। और अपने इस वीडियो को दूसरे दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।